हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेई ए टू जेड पे। और अगर आप लोग एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। और कोई भी जेई की वैकेंसी आती है तो सबसे पहले अपडेट यहीं पर आपको देखने को मिलता है। तो आज का जो वैकेंसी अपडेट है यह है ग्रुप 3 उपयंत्री मानचित्रकार एवं समयकाल समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 के संबंध में जो है सूचना आपका जारी हुआ है और ये सारी डिटेल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जो सब इंजीनियर है का पोस्ट है यहाँ पे, इसके लिए आपको डिप्लोमा चाहिए 3 ईयर, 3 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे सिविल ब्रांच से हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 4 ब्रांच के कैंडिडेट जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मानचित्रकार के लिए आपका ITI होना अनिवार्य है, ITI वाले जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो फॉर्म फिलिंग का स्टार्ट डेट है, आप आवेदन कब से कर सकते हैं, तो 1 अगस्त 2022 से 16 अगस्त 2022 के बीच में आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और एक बात और मैं बता दूं कि अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं कि अदर स्टेट वाले फिलअप कर सकते हैं या नहीं, तो फाइनली ये क्लियर है कि अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र में संशोधन करने की क्या तिथि है, तो 1 अगस्त 2022 से 21 अगस्त 2022 तक आप जो है इस फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं अगर कोई मिस्टेक आपसे हो जाती है, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 24 सितंबर 2022 को जो है होगा, और प्रथम पाली और द्वितीय पाली, ठीक है। प्रथम पाली 7 बजे से 8 बजे जो है आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, और 9 बजे से 12 बजे तक जो है प्रथम पाली का एग्ज़ाम होगा, और सेकंड पाली का एग्ज़ाम 2:30 से 5:30 बजे तक जो है चलने वाला, 3 घंटे का होने है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो सीधी भर्ती 2198 जो है सीधी भर्ती की वैकेंसी है, और संविदा पर आपको 111 पोस्ट यहाँ पर आया है, और 248 वैकेंसी जो है बैकलॉग वैकेंसी है, ठीक है। तो टोटल आपका 2557 तो हो रहा है, लेकिन इसमें से 1750 के लगभग जो 1750 प्लस ही मानी है, ठीक है, ये सिविल ब्रांच के लिए जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर डिप्लोमा किए हुए हैं 3 वर्षीय डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। बाकी अदर पोस्ट में आपका आ जाता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और मानचित्रकार का भी पोस्ट इसी में आ जाता है, जो बाकी बचता है लगभग 800 के आसपास, ठीक है। तो 800 में सभी लोग हैं, और 1750 जो है अकेले सिविल ब्रांच के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है। परीक्षा का केंद्र आपका कहाँ कहाँ, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, और ये सब ज़िले जो है आपका यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर बनने वाला है, ठीक है। परीक्षा की विस्तृत जानकारी के लिए आप www.peb.mp.gov.in पे जाके जो है डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आपका जो जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये फॉर्म फिलिंग जो है फी है, और अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो है ये 250 रुपये जो है फी रखा गया है। लेकिन मान लीजिए अदर स्टेट से आप निवासी हैं तो आपको जो है जनरल में ही काउंट किया जाएगा, और आपको जो है 500 रुपये कैटेगरी वाइज प्रॉफिट जो है अदर स्टेट वालों को यहाँ पर नहीं, बेनिफिट जो है अदर स्टेट वालों को यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और सीधी भर्ती जो बैकलॉग पोस्ट है उसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, लेकिन कियोस्क के माध्यम से अगर ऑनलाइन आवेदन भर रहे हैं तो आपको 60 रुपये जो है एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। और रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करके आप अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको 20 रुपये केवल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। ना ये सारी डिटेल यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि और अदर स्टेट वाले कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँ। तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का एक है रोजगार पंजीयन पोर्टल, ठीक है, जहाँ पे आप जाके आधार वेरिफिकेशन, आधार आपका जो आधार नंबर है या फिर आधार कार्ड है वो जो है आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे आपका जो है OTP मोबाइल नंबर पे आएगा, ठीक है। तो मोबाइल नंबर आपका जो है लिंक्ड होना चाहिए आधार कार्ड से, तभी जो है आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा, और मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सारे जो है आप ला सकते हैं, ठीक है। UIDAI के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही आधार जो है मान्य होगा, अन्यथा जो है आधार आपका मान्य नहीं होगा। तो ये सारी डिटेल आप लोगों के लिए थी, और बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूँ कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चंस में आपके 100 क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल होंगे, और 100 क्वेश्चन आपके कोर ब्रांच के बनने वाले हैं, ठीक है। टोटल जो है 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे, और जो माइनस मार्किंग होगा 1/4 का यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। इन 100 क्वेश्चंस में से आपका जो है जनरल हिंदी है, जनरल रीजनिंग है, जनरल मैथ है, जनरल कंप्यूटर, जनरल साइंस,
ये सारे टॉपिक जो है आपके इस 100 क्वेश्चंस में रहने वाले हैं। तो आपका ये जो है पेपर पैटर्न आपका हो गया, ठीक है। निगेटिव मार्किंग 1/4 का है, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है और 1 अगस्त से जो है आप लोग जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में ही फॉर्म को फिल करें क्योंकि लास्ट में जो है सर्वर की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।